हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तिथिज यूनिक रेसिपीज। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याजा। अगर ऐसे डिश हम घर में बनाएंगे तो जो भी वेजिटेबल्स खाना नहीं पसंद करते वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो एंड तक देखना मेरी ये रेसिपी, कैसे हम घर में आसानी से बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ये डिश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए मैंने लिया है भिंडी 250 ग्राम के आसपास, उसे मैंने 1 इंच के साइज में कट करके रखा है। आप अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हो। फिर मैंने लिया है एक बड़ा साइज के ओनियन, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, और एक एक पेटल्स को मैंने अलग करके रखी है। और मैंने ली है एक टोमेटो और ओनियन का पेस्ट, और इसके साथ मैंने एक मीडियम साइज टोमेटो का बीज निकल के बड़े साइज में कट करके रखी है। पहले हम करेंगे भिंडी को फ्राई। भिंडी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ही वेजिटेबल ऑयल लिया है। अभी हाई हीट में हम भिंडी को 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हाई हीट में इसलिए करेंगे कि ताकि भिंडी क्रंची भी रहे, और जब हम इस भिंडी को ग्रेवी में डालेंगे तब इसके टेक्स्चर भी अच्छा रहे। अभी हम ऐसे ही भिंडी को 3-4 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे ओनियन पेटल्स, यानी कि प्याज के जो पंखुड़ी हमने अलग करके रखे थे वो हम इसमें मिलाएंगे। बस ज़्यादा देर तक प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे, 1-2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, जितना तक ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। बस उसी ट्रांसलूसेंट होने तक हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, और भिंडी और प्याज को हम अलग रखेंगे और बनाएंगे अब ग्रेवी। अभी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ली है 2 टेबलस्पून ही वेजिटेबल ऑयल। हम कम तेल में ही बना रहे हैं ताकि ये डिश हेल्दी भी रहे। अब ऑयल में हम पहले मिलाएंगे अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट भिंडी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, तो इसलिए पहले हम मिलाएंगे 1 टीस्पून ही अजवाइन। फिर अजवाइन मिला के हम मिलाएंगे इसमें जीरा। फिर हम इसमें मिलाएंगे ड्राई रेड चिली। अब सभी खड़े मसालों को मिला के हम हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसमें मिलाएंगे जो ओनियन और टमाटो का पेस्ट मैंने बना के रखी थी वो पेस्ट। अब पेस्ट मिला के 2-3 मिनट हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसमें मिलाऊंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मिलाने के बाद मैं मिलाऊंगी इसमें ड्राई रेड चिली पाउडर। अब ड्राई रेड चिली पाउडर मिला के हम हल्का सा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें मिलाऊंगी कोरिएंडर पाउडर। अभी धनिया पाउडर मिला के हम मिलाएंगे थोड़ा सा ही पानी, ताकि मसाला जल ना जाए। अब पानी मिला के हम थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें मिलाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। पर जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हम मिलाएंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर वो ओवरपावर ना करे, तो इसलिए हमने 1 ही टीस्पून मिलाई है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब 1-2 मिनट भून के हम इसमें मिलाएंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार। अब नमक मिला के हम थोड़ा सा ही भून लेंगे। अभी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे फ्राई किए हुए भिंडी और अनियन। और भिंडी और अनियन मिला के हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, गरम मसाले का फ्लेवर जिनको पसंद है वो इसी स्टेज में गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई डिश में गरम मसाला मिलाना ज़रूरी नहीं होता। बिना गरम मसाले के भी डिश अच्छी ही बनती है, जैसे कि ये डिश। मैंने जो जो मसाला मिला के बनाया है वही मसाला आप मिलाना, ट्रस्ट मी ये डिश बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी हम इसमें मिलाएंगे टोमेटो स्लाइस जो मैंने काट के रखी थी, पर ये मैं एंड में मिलाऊंगी ताकि टोमेटो क्रंची रहे। फिर मैं इसमें मिलाऊंगी टोमेटो सॉस। ये मिलाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी मिलाएं, पर टोमेटो सॉस मिलाने से ये रेसिपी काफ़ी टैंगी बनती है, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर हल्का सा भून के हम मिलाएंगे आमचूर पाउडर, और आमचूर पाउडर मिला के हम ये रेसिपी
फिनिश करेंगे। आमचूर से हल्का सा खट्टा फ्लेवर आता है इस रेसिपी में, जो बहुत ही अच्छा लगता है दो प्याजे में। ऐसे ही भिंडी दो प्याजा की रेसिपी आप लंच में बना सकते हो, बच्चों के टिफिन के लिए भी आप बना के दे सकते हो, और अगर घर में मेहमान आ जाए तो भी आप बना के सर्व कर सकते हो। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और हमेशा बने रहे तिथि यूनिक रेसिपीज़ के साथ। And thanks for watching.